दोस्तों आज तक हम में से अधिकतर लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में जितनी नॉलेज है उतनी हिस्ट्री में कभी नहीं थी। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मौजूदा टूल्स और टाइम मैनेज करने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद भी आज लोगों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा और ऑल टाइम हाई है। और इंटरनेट पे टाइम मैनेजमेंट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी अधिकतर लोगों को आज भी अपना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो सब आज के टाइम के हिसाब से गलत है। सब कुछ पुराना हो चुका है क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज तक जो कुछ भी सीखा है वो सभी लॉजिकल है। टिप्स एंड ट्रिक्स, कैलेंडर्स और चेकलिस्ट स्टेप्स, ये सब कुछ लॉजिकल है। पर असल में हम सभी इंसान हैं, इमोशनल बीइंग्स हैं, कोई रोबोट नहीं। क्योंकि जब हम डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं, जब हम सैड होते हैं, गुस्सा होते हैं, खुश होते हैं, हमारे अलग अलग मूड, ये सब डिफाइन करते हैं कि हम हर दिन अपने टाइम को कैसे यूज करेंगे। वेल, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट थ्योरी की हिस्ट्री को समझना होगा, जिसकी शुरुआत 50s के दशक में हुई थी। ये टाइम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में लोग वन डिमेंशनली सोचते थे। अपने टाइम को मैनेज करने का लोगों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी था, यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना। जहाँ लोग अपनी टू डू लिस्ट को क्रिएट करते और दिन खत्म होने से पहले उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। जिसके बाद 80s में टाइम मैनेजमेंट थिंकिंग का दूसरा युग यानी एरा शुरू हुआ, जिसे द ग्रेट डॉक्टर स्टीफन कवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के साथ शुरू करा, जहाँ उन्होंने दुनिया को टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स से इंट्रोड्यूस करा, जिससे हम अपने टाइम को मैनेज करने के बारे में टू डिमेंशनली सोच सकते थे। टू डायमेंशनल थिंकिंग, सॉल्यूशन प्रायोरिटाइजिंग, यानी एक तरफ था कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और दूसरी तरफ कौन सा काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जिसके बाद से लास्ट 40 साल से हम सभी इसी सिस्टम से काम कर रहे हैं। जो टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही अर्जेंट भी है, उन्हें हम सबसे पहले करते हैं और बाकियों को बाद में। अब इन दोनों तरीके से अपने टाइम को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तरीका भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। पर आज के टाइम पर हमें अपने टाइम के बारे में 3-डिमेंशनली सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रेटजिस्ट रॉरी वेडन ने क्रिएट करा है। और कई रिसर्च में भी ये पाया गया है कि ये अपने टाइम को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आखिर क्या है वो तरीका? और वो है मल्टीप्लाई योर टाइम, द RAC मेथड। रॉरी वेडन के अकॉर्डिंग हमें अपने टास्क के इम्पोर्टेंट अर्जेंट के साथ साथ सिग्निफिकेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट का मतलब है कि ये काम आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और अर्जेंसी का मतलब है कि आपको इससे कितना जल्दी करना है, तो सिग्निफिकेंस का यहाँ मतलब है कि ये काम कितने टाइम तक मैटर करने वाला है। इस 3-डिमेंशनल अप्रोच से अपने टाइम को मैनेज करने वाले लोगों को रॉरी वेडन मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। इससे आप एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए आज सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। वही एक मल्टीप्लायर सोचता है कि मेरे लिए आज सबसे ज्यादा क्या जरूरी है जिससे मेरा कल अच्छा हो जाएगा। यानी आप अभी अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे फ्यूचर में आपका टाइम बच जाए। इससे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो। रॉरी वेडन कहते हैं, यू मल्टीप्लाई योर टाइम बाय गिविंग योरसेल्फ इमोशनल परमिशन टू स्पेंड ऑन थिंग्स टुडे दैट विल गिव यू मोर टाइम टुमारो। यानी जब आप अपने आप को उन चीजों पे टाइम स्पेंड करने की इमोशनल परमिशन देते हो जो चीजें आपका फ्यूचर में टाइम बचा सकती हैं, तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हो। अच्छा ठीक है रिवायर्स, हम इस बात को तो समझ गए, पर इससे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? वेल, इसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकली प्रूवन मेथड है। दोस्तों, ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं? असल में वो भी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देख के फटाफट अपने अगले दिन का रूटीन बनाने लगते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छे से इसे फॉलो कर लेंगे, जो कि गलत तरीका है। आपको कोई नया रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पुराने रूटीन को रिकॉर्ड करना है, उसे अच्छे से एनालाइज करना है और फिर उसमें इस 3-डिमेंशनल थिंकिंग के हिसाब से चेंजेस करने हैं। यही है RAC मेथड, जो इन 3 सिंपल स्टेप से बना है। R यानी रिकॉर्ड, A यानी एनालाइज और C का मतलब है चेंज। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कल जब सोकर उठें तो अपने टाइम को नोटिस करें कि आप कब उठे, आपने कब ब्रेकफास्ट करा, आपको रेडी होने में कितना टाइम लगा, और जैसे जैसे दिन बीतता जाए हर एक टास्क के टाइम को रिकॉर्ड करते जाओ। अगर आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड करो कि आपने कितना टाइम वेस्ट करा और कितनी देर काम करा और फाइनली आप कब सोने गए। इसे चाहो तो आप 2-3 दिन तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देगा। विनो, ये करना थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन यही फर्स्ट स्टेप है एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करने का। नेक्स्ट, जब आप सोने जाओ तो एक बार अपने रिकॉर्ड करे हुए टाइम को एनालाइज करो, आपने पूरे दिन क्या क्या करा। अब यहाँ आपको काफी शॉकिंग चीजें पता चलेंगी कि आप कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस लिस्ट में से उन टॉप 5 टाइम वेस्टर एक्टिविटीज को सिलेक्ट करो जिसमें आपने अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करा है, और उन्हें कैलकुलेट करो कि आपने कितना टाइम ऐसी एक्टिविटीज में वेस्ट करा जिससे ना आपको प्रेजेंट में कुछ फायदा हुआ और फ्यूचर में तो आपको इससे और ज्यादा नुकसान भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है या अपने असाइनमेंट को
कंप्लीट करना है, पर आपने आधा दिन तो इधर उधर घूमने में और इंस्टाग्राम पे रील देखने में ही वेस्ट कर दिया, जिस टाइम आप अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर सकते थे जिसे आपको अगले दिन करना होगा। पर इन सब बातों को आप अपने माइंड में ही एनालाइज नहीं कर सकते, आपको एक पेन पेपर पे लिखना होगा। या फिर और अच्छे से एनालाइज करने के लिए आप अपने टाइम का रोड मैप भी बना सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कब और किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होके कोई एक्शन लिया था जिससे आपका टाइम वेस्ट हुआ, और जिसके लिए आप यूज कर सकते हो वंडरशेयर ईड्रामाइंड को। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके समझ सकते हो या अपने आइडियाज और प्लान्स को बना सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरह अपने नोट्स भी बना सकते हो, और जहां आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। यहां आपको 5000 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स और रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें से चूज करके उसे एडिट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग माइंड मैप को क्रिएट कर सकते हो। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है, ये कई मल्टीपल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ आप वर्ड फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं, जिसे आप बाकी किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे एक्सेल, पीपीटी या पीडीएफ। ये सॉफ्टवेयर विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, आईओएस और यहाँ तक कि लिनक्स में भी अवेलेबल है, और इसे यूज करना बहुत ही इजी है, और ये आपके वर्क फ्लो को बहुत ही आसान बना देता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वंडरशेयर ईड्रामाइंड को जरूर डाउनलोड करें। और अब लास्ट स्टेप में आपको अपने करंट शेड्यूल में चेंजेस करने हैं। अपनी टाइम वेस्टर एक्टिविटीज को कम से कम करके आपको अपने टाइम को एक मल्टीप्लायर की तरह मैनेज करना है। उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आपके परफेक्ट डे को डिजाइन करती है, जहां आप उन सारे टास्क को ऐड करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, प्रे करना, मेडिटेट करना, सब कुछ जो आप करना चाहते हो। और फिर इन सभी टास्क को उनकी अर्जेंसी के हिसाब से अलाइन और सेट कर दो। जैसे किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही है, आपका इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसके लिए आपको पढ़ना है या कोई बिल पे करना है, वो टास्क पिक करो जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी। और लास्टली अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर उन टास्क को रखो जिसे करने से आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आके थैंक यू बोलेगा, और आज उस काम को करने से आप अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे। पर एक सेकंड, ये लिस्ट तो हो गई कि आपको क्या क्या काम करना है, पर इन्हें कब करना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के बाद भी जब काम को एक्चुअली में करने की बारी आती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए अपने सारे टास्क को अपनी एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग टाइम दो। पेयर योर टास्क विद योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम्स। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में दिन का एक ना एक ऐसा टाइम जरूर होता है जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत है वो लोग अपने मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, क्योंकि वो टाइम उनके लिए बेस्ट होता है। इसी टाइम वो सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन तो बहुत लेजी फील करते हैं, पर रात में उनके अंदर अपने सारे टास्क को फिनिश करने की एनर्जी आ जाती है। यही रीजन है कि कुछ लोग सुबह जिम जाते हैं, कुछ लोग शाम को, अक्षय कुमार जैसे कुछ लोग सुबह 4 बजे उठकर सक्सेसफुल हुए हैं, तो वहीं AR रहमान जैसे कुछ लोग लेट नाइट काम करके सक्सेसफुल हुए हैं। इसीलिए आप अपने किसी भी टास्क को किसी भी रैंडम टाइम पर सेट नहीं कर सकते हैं, या दूसरों को देख के सुबह 4 बजे उठने से आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और इम्पोर्टेंट चीजों को टालते रहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत हाई एनर्जी टास्क को तब करने बैठते हैं जब उनके खुद के अंदर ही एनर्जी नहीं होती। ये ऐसा ही है जैसे एक बिना फ्यूल की कार को ड्राइव करने की कोशिश करना, जब उसमें तेल ही नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसीलिए आपको ये देखना होगा कि आप दिन के किस टाइम पर सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो, और कौन सा ऐसा टास्क है जो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है और मांगता है, और दिन का वो कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज्यादा लो एनर्जाइज्ड फील करते हो। आपको अपने हर टास्क को उसकी एनर्जी की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद का एग्जाम्पल देके समझाएं तो अगर आप हमारे एनर्जी और वर्क के ग्राफ को देखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ सुबह उठते ही एनर्जी अपनी पीक पे होती है, तो इसीलिए सुबह होती है मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज के लिए, ब्रेकफास्ट एंड ऑल, देन तुरंत उसके बाद 1-4 घंटे का डीप वर्क सेशन, जहाँ हम उन सारे टास्क को फिनिश करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और सिग्निफिकेंट है, जो हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड करते हैं और जिनमें हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। और लंच के बाद हमारे एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाते हैं, जिस बीच हम अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा देते हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और फिर थोड़े से रेस्ट के बाद और यू कैन से नैप के बाद हम एक डीप वर्क सेशन और करते हैं और अपने बाकी के जरूरी काम को फिनिश करते हैं। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहा है, और ये हमने सालों के टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स और एक्सपीरियंसेस से सीखा है, और उम्मीद है कि आप भी इस सिस्टम की हेल्प से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये वीडियो यही खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।